हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये मेरा टेरेस गार्डन है। मैंने सोचा आज टेरेस गार्डन का थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 2-3 साल हो गए ओवरव्यू दे हुए यहाँ का। और काफ़ी सारे ब्लूमिंग हुई पड़ी थी यहाँ पे और फ्रूटिंग भी शुरू हो रही है चीकू के प्लांट में। ये देखिए, यहीं से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये चीकू का प्लांट है और इसी सीजन में मैंने मंगवाया था। 2-3 इसमें लगे हुए थे और ये इनकी स्टार्टिंग थी जो ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत ही मीठे चीकू हैं, कच्चे भी इतने मीठे हैं। और ये है मिर्ची का प्लांट, मोटी मिर्च लगती है इसमें। और ये है अमरूद का प्लांट, इसके भी जो अमरूद हैं बहुत ही मीठे निकलते हैं। 2-3 अमरूद ऊपर रखने के बाद निकले थे इसमें, बहुत मीठे थे। और फिर से ये पतली मिर्च का प्लांट, ये देखिए इस पर पतली पतली मिर्च आती हैं। एक ही है अभी तो, बाकी फ्लावर आए हुए हैं, आ जाएगी। बड़ा गमला दिया हुआ है मैंने इसको। और ये वाला प्लांट पता नहीं कौन सा है, इसमें अभी ब्लूमिंग शुरू नहीं हुई है। और ये लैंटाना का प्लांट है, देखिए नीचे पत्ते पत्ते आ रहे थे और ऊपर देखिए कितनी ब्लूमिंग इसमें स्टार्ट हो रही है। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा फ्लावर्स की, वो देखिए वैरायटी, एक कोई तो पूरा येलो है, कोई पूरा रेड है और कोई मिक्स है, येलो में रेड या रेड में येलो, है ना। और अच्छा घना हो गया ये यहाँ पे रखने के बाद। और ये वाला हाइब्रिड कनेर, हाइब्रिड कनेर में ऊपर लाने के बाद अब फ्लावर आए हैं इसमें, इस कलर के ऊपर रखने के बाद। मतलब जब आप जगह चेंज करते हो प्लांट की तो थोड़ा सा वैसे शोक में आ जाते हैं प्लांट, और फिर उसके काफ़ी दिन के बाद उसमें ब्लूमिंग स्टार्ट होती है। और ये गुड़हल का प्लांट है, इसी में कढ़ाई पत्ता उगा हुआ है। और ये विंटर का मैं अभी ऊपर लेके आई हूँ कॉक्सकॉम। और ये वाला प्लांट भी था, किस चीज़ का था मुझे नाम नहीं याद आ रहा। 2-3 प्लांट ऐसे हैं जो मैंने नीचे से ऊपर पहुँचाए थे, बट उनमें ना ब्लूमिंग शुरू हुई है अभी, पत्ते पत्ते आ रहे हैं बस। और ये गेंदे का प्लांट इसमें उगा हुआ है टर्टल वाइन वाली बोट में, ये नीचे से ऊपर आया था। इसको भी मैं निकालूंगी, टर्टल वाइन को बहुत ही ज़्यादा फैलती जाती है तो। और ये ब्लूमिंग मेरी अभी चल रही है बोगनविलिया में, बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। और ये है लेमन ग्रास, इसको टाई करना है क्योंकि इसके इधर उधर काफ़ी सारी मतलब फैल जाती है ये, तो इसको भी टाई करना है। और ये भी मुझे अब ध्यान नहीं है, दो काफ़ी सारे पोट ऐसे हैं जिनका मुझे याद ही नहीं है अब कौन से, नाइन में ब्लूमिंग हुई है। और ये येलो कलर का एडेनियम है। जिनको इन प्लांट्स के नाम पता हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताना। और ये गोरी चोरी, इसमें इतनी ब्लूमिंग हो रखी है, देखो नीचे भी इतने सारे जड़े हुए हैं। और ये ब्लीडिंग हार्ट है, ब्लीडिंग हार्ट इसमें बस एक बार ब्लूमिंग हुई थी जब आई थी, उसके बाद कोई ब्लूमिंग नहीं हुई है उसमें, देखते हैं। और ये यूफोर्बिया मिली है, इसमें इस कलर की ब्लूमिंग होती है, नीचे इसमें पत्ते पत्ते आते थे। और ये मधुकामनी है, इसमें भी आ जाएगी ब्लूमिंग नेक्स्ट ईयर, गर्मी का प्लांट है पक्का ऊपर आने के बाद अब। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें भी ऊपर आने के बाद ही ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है। ये देखें कितनी बर्ड्स भी आई हुई है और स्पेंट फ्लावर भी हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, आप उसमें खाद डालें ना डालें लेकिन धूप जरूर दिखाएं पूरे दिन के। और ये है पीच कलर के बोगनविलिया, और इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कई तो इसको
टिकोमा ही बता रहे हैं, लेकिन टिकोमा के जो फूल की शेप है वो डिफरेंट है, और इसके जो फ्लावर हैं ये ऐसे हैं, दिन में पता नहीं खिले होते हैं क्या नहीं, लेकिन अब ट्यूब ट्यूब से जैसे लग रहे हैं। देखिए जैसे ये है ना, ये तो थोड़ा सा अभी खुला हुआ है, और ये इवनिंग हो गई है ना, तो ये ऐसे लंबे लंबे दिख रहे हैं बस। इसके पत्तों की शेप अलग है। और टिकोमा मैं आपको दिखाती हूँ, ये टिकोमा है ऑरेंज कलर का, ये टिकोमा है, इसके पत्तों की शेप देखिए, इसके पत्ते की शेप है ना गेंदे के जो पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल वैसी है, लंबी लंबी छोटी छोटी, और वो राउंड शेप में है थोड़े थोड़े। टिकोमा ये वाला है, वो टिकोमा नहीं है, लेकिन लेंस गूगल लेंस में वो टिकोमा शो कर रहा है। और ये गुलाब में ब्लूमिंग होनी शुरू हो गई है, और अभी हिबिस्कस में भी ब्लूमिंग शुरू है मेरे, ये देखिए पीच कलर का है ये, नीचे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कौन से कलर का है कौन से कलर का नहीं है। और ये भी अब ठीक ठाक हो गया है। और ये है गार्लिक वाइन, इसमें अब फूल आएंगे सर्दियों में, ये सर्दियों का है, तो इसकी कंडीशन देखिए बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ होती जा रही है इसमें, क्योंकि अब इसका सीजन स्टार्ट हो रहा है बस। और ये सब मोगरा के, इनमें भी अभी ब्लूमिंग है, स्पेंट हो चुके हैं फ्लावर लेकिन। और ये देखिए ये कनेर का प्लांट, ओ सॉरी चंपा का प्लांट है नीचे था ये, और ये देखिए ये हिबिस्कस का है वाइट वाला, और ये वाइट बोगनविलिया, और रेड कलर का देसी वाला हिबिस्कस, और ये देसी वाली कनेर है, वो हाइब्रिड कनेर थी छोटा ड्वार्फ वैरायटी, और ये लंबी वाली वैरायटी है ऊंचे वाली देसी कनेर। और ये हिबिस्कस का एक और है प्लांट रेड कलर का, और ये एडेनियम है रेड कलर का, ये देखिए इसमें रेड कलर के फ्लावर होंगे, डार्क रेड बिल्कुल। और मे बी इसमें सर्दियां शुरू होने से पहले एक ब्लूमिंग आ जाएगी अच्छे से। और ये है नारंगी का प्लांट, नारंगी शुरू हो गई है इसमें आनी, और इसी में ही उगा हुआ है विंका सदाबहार, अच्छी ब्लूमिंग है इसलिए मैं इसको इसमें से निकाल नहीं रही हूँ, अच्छा लगता है। और ये है वेरीगेटेड वैरायटी मधुकामनी की, और एक ये है मधुकामनी, मधुकामनी नहीं, ये वेरीगेटेड चांदनी है, और ये मधुकामनी है, सॉरी पार्क वगैरह में हैज बनाते हैं। और ये रात की रानी है पीछे, इसमें रात को ब्लूमिंग होती है, और इसका मुझे नाम नहीं पता, माली ने कहा था इसके जो इसमें फूल नहीं आएंगे लेकिन जो टॉप के पत्ते होंगे ना वो रेड कलर के आएंगे, जैसे ये देखिए है ना ऊपर ऊपर के पत्ते रेड कलर के आएंगे, और मैच्योर होने के बाद ग्रीन कलर के हो जाएंगे। इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और फिर आता है ये कटिंग पलमेरिया की चंपा की, और फिर से देसी हिबिस्कस एक और है, और ये है हार श्रृंगार का प्लांट, ये देखिए इसमें कितनी बर्ड्स आई हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होगी टॉप पे, ये देखिए इसकी तो सुबह के टाइम अगर हम बनाएं वीडियो तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा, ये देखिए बहुत ही मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा इसमें मेरे को अब की बार बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। सुबह इसमें गिरे भी मिलते हैं सुबह के टाइम फ्लावर, ये देखिए है ना, और ये ऊपर रखने के बाद इसका ये हाल है, नीचे इसमें पत्ते पत्ते आ रहे थे, और दिसंबर में इसमें फूल आते थे जब और लोग मज़ा ले लेते थे इसकी ब्लूमिंग का, तब मेरे यहाँ पे इसमें ब्लूमिंग होती थी, जहाँ कम धूप आती है ना उनका यही यही रोना होता है, पैसे बड़े चाव से खर्च करते हैं फूलों वाले प्लांट पे लेकिन उस तरह मज़ा आता नहीं है।
सारा मजा सिर्फ टेरेस गार्डन वालों को ही मिलता है। ये देखिए अब की बार अच्छे भर भर के फूल आएंगे इसमें। और एक ये है प्लांट गुलाब का, इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही मेरे को, हो जाएगा ठीक क्योंकि अभी इसका सीजन है। टेरेस पे मैं कभी कभी आती हूँ। और एक ये है हिबिस्कस का प्लांट, बच्चे पानी वानी दे देते हैं, वाटरिंग कर देते हैं, तो मैं नीचे वाला गार्डन संभाल लेती हूँ, ऊपर थोड़ा कमी आना होता है, कोई प्लांट लगाना हो तभी आती हूँ। और ये पॉट लिली का कटिंग मैंने लगा दी थी एक नीचे वाले उससे लेके। ये है जट्रोफा का प्लांट, कैसे बोट में उगा हुआ है ये, मतलब एक तरह से कूड़े में ही उगा हुआ है क्योंकि इसमें कोई मिट्टी साफ नहीं है। ये देखिए सामान भी पड़ा है अभी। और इसके साथ ही मदर ऑफ थाउजेंड्स कहीं भी उग जाता है, जहाँ इसके बेबी गिरते हैं पत्तों से झड़ के वहीं उग जाते हैं। और जट्रोफा के भी जहाँ भी ये शेड के नीचे लाइट ऑन कर रखी है मैंने, क्योंकि रात हो चुकी है अब, इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी क्लियर वीडियो नहीं दिख रही होगी। जट्रोफा भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसके भी जहाँ बीज गिरते हैं वहीं उग जाता है। और फिर आता है ये बास्केट वाले, काफ़ी प्लांट लिए थे मैंने सर्दियों के, लेकिन मेरे को लगता है कि सिर्फ यही लगेगा, पिटूनिया और कॉक्सकॉम और सालविया। ये देखिए ये वाला हरा तो है लेकिन पड़ा ऐसे ही है, देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। और बाकी ये वाले प्लांट इसमें लगे हुए हैं, धीरे धीरे अब चेंज करेंगे इनको साफ करने के बाद। और ये 9 to 5 इनको सेव करेंगे गर्मियों के लिए। और यहाँ पर सारे पिटूनिया और सारे वो ही लगाएंगे सर्दियों की जो वैरायटी है। फिर आता है ये वेरीगेटेड काना लिली, इसमें ब्लूमिंग होती है। और ये चैटी पैटी, ये भी मैं बाहर से लेके आई थी। और ये तुलसी जी हैं और वो बड़ा गमला खाली है, उसमें लगाएंगे अब ये वाला अनार का प्लांट, अभी मैं जो ऊपर लेके आई हूँ, नर्सरी से लिया था मैंने, ये अभी नीचे ही पड़ा था। और ये गुलाब की एक और वैरायटी पीच कलर में, अब गुलाब का सीजन है, इसकी कटिंग कर दी है तो अच्छी इसमें ब्लूमिंग शुरू हो गई है। और ये अपराजिता का प्लांट है, अभी इसमें फिलहाल ब्लूमिंग नहीं है, ब्लू कलर का है ये, देखते हैं होगी कि नहीं अभी। और ये है नीचे से ऊपर मैंने भिजवाया था डिफन बेकिया, और ये वर्टिकल गार्डन में कुछ बना लगा रखा है बच्चों ने, खुद ही चल पड़ा है तो ये भी मेंटेन हो गया है। और ये कैक्टस के, एलोवेरा के, और ये फिर से जट्रोफा का प्लांट, और ये फिर से रात की रानी, ये मैच्योर प्लांट है बड़ा वाला। और ये फिर से बोगनविलिया, काफ़ी ब्लूमिंग है इसमें, तीन कलर है मेरे पास बोगनविलिया में, वाइट ये वाला कलर और एक और है पीच कलर, अभी मैंने दिखाया था आपको। और ये चढ़ी हुई है बेल गिलोय की। तो ये तो था मेरा ऊपर के टेरेस गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू। अभी काफ़ी सामान इसमें सेट नहीं किया है, ये देखिए आपको सामान भी दिखा देती हूँ। एसी वेसी अभी लगे नहीं है ऊपर, और पेंट के डिब्बे पड़े हैं, ये और सेट हो जाएगा फिर आपको मैं एक और ओवरव्यू दूंगी। और बस प्लांट रखने का मुझे स्पेस मिल गया धीरे धीरे। तो ये तो था मेरे गार्डन का ओवरव्यू, इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको टेरेस गार्डन थोड़ा थोड़ा पहले जैसा लगा होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।